तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने नोटिफिकेशन बार में फ़ोटो किस प्रकार सेट करते हैं। जैसा कि आप यहां पे ऊपर देख सकते हैं कि यहां पे फ़ोटो पहले से सेट नहीं हो चुका है, पर हम कुछ इस प्रकार करेंगे ताकि यहां पे फ़ोटो सेट हो जाए नोटिफिकेशन बार, इसी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं किस प्रकार नोटिफिकेशन बार में अपना फ़ोटो सेट किस प्रकार होता है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम पिंटू कुमार है, मैं चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले आपको एक एप्लीकेशन की मदद होगा, उसमें पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे मटेरियल नोटिफिकेशन लिखना है, यहाँ पे मटेरियल नोटिफिकेशन, और उसके बाद लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाकर इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों हम यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद इसको ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर सारा सिस्टम आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार आएगा, तो आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है, अलाउ कर देना है सबको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद बैक चले जाना है, और फिर बैक जाने के बाद कुछ यहाँ पे भी अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे भी जाकर अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे भी अलाउ हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे अपना अलाउ कर दिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर इसको भी अलाउ कर देना है जाकर यहाँ पे। और तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पे अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद आपको बैक चले जाना है। अब बैक जाने के बाद यहां पे डन कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको अब सिखाते हैं कि कैसे फ़ोटो सेट होता है, कहां से सेट होता है। तो दोस्तों पहले आपको यहां पे कस्टमर बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर चूज फ़ोटो पर जाना है। इसके बाद आपको कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, हम अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी फ़ोटो हो। तो एल्बम में जाते हैं, और उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे चले गए, और इसके बाद यहाँ पे जाकर इस फ़ोटो को ले लिए, और इसके बाद क्रॉप पर क्लिक करके जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ़ोटो लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन बार में फ़ोटो लग चुका है। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।